हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, कल के दिन मैंने वीडियो बनाई थी मैरिको के ऊपर, उसका रिजल्ट एनालाइज किया था। आज अपन मतलब कि एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके 10 शेयर हैं जो सबके सब बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं और बहुत अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स भी हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो केमिकल सेक्टर से बात करूंगा, तो आप इस एक कॉपी पेन ले लीजिए जिसको नोट करके चल सकते हैं, जिसमें शेयर का डेट लिख लीजिए आज की और शेयर का नाम और शेयर का प्राइस भी लिख के रख चल सकते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप कि अभी के प्राइस क्या है। इन फ्यूचर अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता रहा तो उनके प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे कंपेयर करने। फ्रेंड्स, फर्स्ट शेयर के ऊपर आ गया हूँ। फर्स्ट शेयर का नाम है एशियन पेंट, आप देख सकते हैं। तो अभी आज के दिन आप देख सकते हैं कि 1.40% है, 5 डेज में 5% की है, 1 मंथ में आप देख सकते हैं 2% की गिरावट आई है, 6 मंथ्स में देख सकते हैं कंपनी 20% के रिटर्न दे रही है, 1 ईयर का भी देख लेते हैं, 1 ईयर में 73%, मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम देखिए, चार्ट पैटर्न क्या शानदार है, लेफ्ट टू राइट एकदम, बहुत ही यही होता है जो स्टॉक अच्छे स्टॉक होते हैं, इनकी ये पहचान होती है कि इनकी जितनी गिरावट होती है वो दिखती ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है और अपने सेक्टर का मोनोपोली एंजॉय करती है कि पेंट सेक्टर का। कंपनी एक लार्ज कैप है, कंपनी का मार्केट कैपिटल 2.84 लाख करोड़, मतलब बहुत बड़ा है। कंपनी का 52 वीक हाइक भी देख सकते हैं 3179 और 52 वीक लो 1700 रुपये है। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, कंपनी का जो मैं शेयर बताऊंगा आप इसको स्टडी पे रखिए। इसमें आपको सबको चेक करना है, कंपनी की वेबसाइट विजिट करनी है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईआईएस की होल्डिंग, कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं, ये सब आपको चेक करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि ये सब आप करेंगे तो आप लंबे वक्त तक मार्केट में टिक सकते हैं और आपको कोई गलत शेयर चॉइस करने में कोई दिक्कत, मतलब अच्छे शेयर चॉइस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, गलत शेयर से आप दूर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं अपन सेकंड स्टॉक के ऊपर। सेकंड शेयर के ऊपर आ गए, ये भी केमिकल सेक्टर से ही बिलोंग करता है, बर्जर पेंट। लास्ट वीडियो में भी जो मैंने मोनोपोली का बनाया था लास्ट वीक भी, उसमें भी ये थे दोनों, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस इन दोनों के भी। तो इसका भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आज एक दिन में 60% डाउन, 60% नहीं सॉरी 0.60, 1 मंथ में 5% बोल सकते हैं, 6 मंथ में देख सकते हैं बहुत 20% अप्रॉक्स सेम ही दे रहा है, 1 ईयर में 60% और 5 ईयर में 251% के, और मैक्सिमम भी देख सकते हैं तो मैक्सिमम 478, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया आप 50,000 ओवरऑल में राउंड ऑफ बोल देते हैं 50,000 के रिटर्न दे चुकी कंपनी। कंपनी बहुत ही शानदार है, कंपनी ये भी लार्ज कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल 1000 में उसका लैक में था और फिर इसका 52 वीक 5872 है, अप्रॉक्स अपने 52 वीक के हाई आसी पास है और 52 वीक लो था 516। आप भी ये शेयर को कंपेयर कर सकते हैं एशियन पेंट से भी, तो ये इसका रिटर्न ज़्यादा है कंपेयर एशियन पेंट से, बट एशियन पेंट लार्ज कैप कंपनी है ये भी है। बट क्या होता है जो बाद में आते हैं ना स्मॉल कैप मिड कैप की, उनमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि 10% ऊपर भाग सकते हैं, 15% नीचे आ सकते हैं, फिर 20% भाग सकते हैं, मतलब एक दिन की बात ऐसी होती है। मगर जो लार्ज कैप हो जाती है ना, लार्ज कैप में बहुत कम वॉलीटिलिटी होती है, एकदम धीरे 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 आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका पैसा डबल भी कर देंगे, इतनी धीरे चलते हैं, मतलब कि रोज का 1% कभी माइनस, मतलब धीरे धीरे भागेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका पैसा डबल हो गया। तो फ्रेंड्स, फटाफट अब तीसरे शेयर के ऊपर चलते हैं। ये कंपनी का तो मैंने पहले भी रिज़ल्ट कवर नहीं किया था, इसका रिज़ल्ट परसों आया था, थोड़ा क्या उसमें पेपर का इशू था, वो आपको विजिट करके ना आप खुद पढ़िए एक बार, तो आपको भी थोड़ा नॉलेज आएगा। थोड़ा उसमें क्या राउंड ऑफ में था, मोबाइल को ना टेढ़ा करके रिज़ल्ट आया था, वर्टिकल में आ गया था। तो आप 1 डे में देख सकते हैं 5 डेज में 5% के, 1 मंथ में 9%, 6 मंथ में 105% की, मतलब एक साल, मतलब 6 महीने में आपको पैसा डबल कर दिया, और एक साल में देख सकते हैं कि 215% के रिटर्न, मतलब आपके पैसा को 2 गुना कर दिया, 5 ईयर में तो बहुत ही शानदार 2000% के, और मैक्सिमम भी देख सकते हैं 11000% के रिटर्न दिए। कंपनी लार्ज कैप बन चुकी है, आपको ये बताना चाहूँगा, कंपनी का मार्केट कैपिटल पहले ये स्मॉल कैप की थी, फिर मिड कैप की थी, अभी लार्ज कैप हो चुकी है। अब कंपनी में थोड़ी वॉलीटिलिटी कम होगी, अभी जैसे मैं आपको दिखाऊँगा 6 महीने का पैटर्न, 1 साल का दिखाता हूँ। देखिए, कंपनी एक साइड वेव में चल रही थी, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा जंप नहीं, यहाँ पे देखिए कितनी जब वॉलीटिलिटी थी,
जब मिड कैप में थी, मतलब मिड कैप में क्या होता है वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज कैप में वॉलीटिलिटी कम हो जाती है, मतलब एक सिक्योर उसमें आ जाता है। ये देखिए 5 ईयर में भी आपको देख, तो मतलब कि कंपनी अभी 6 मंथ्स में, देखिए कंसोलिडेटेड फेस में चल रही थी, बट अब कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार आया क्वार्टर और ईयरली बेसिस में, तो जिसके कारण कंपनी अपना 52 हाइक से भी ऊपर निकल सकती है। आप इसको बाय ओपिनियन भी लेके चल सकते हैं, कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे रिटर्न भी दे रही है। मेन तो फ्रेंड्स अपन फोर्थ स्टॉक के ऊपर चलते हैं, ये भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, नाम पढ़ सकते हैं PI इंडस्ट्रीज, फिलहाल 2956 में चल रहा है, 5 डेज में देख सकते हैं 2.5% की गिरावट है, 1 मंथ में 1% 1.5% के रिटर्न दिए, 6 मंथ में 50% के रिटर्न है, और 1 ईयर में देख लेते हैं, 1 ईयर में 60% के दिए, 5 ईयर में 276 और मैक्सिमम भी देख सकते हैं 3-4 हज़ार, मतलब बहुत ही अच्छे स्टॉक है। ये भी ऐसे फार्मिंग में जो भी वर्क्स होते हैं, जैसे फार्मिंग में केमिकल डलता है तो वो कंपनी इससे रिलेटेड वर्क करती है कंपनी। ये भी लार्ज कैप है, 44.82 ट्रिलियन का, 1000 करोड़ का है, 52 वीक हाई 3309 है, जो अभी अपने हाइक से 10% नीचे। एक फंडामेंटल रूल होता है कि अगर कोई भी कंपनी आपको अच्छी लगती है वो अपने हाइक से 10% डाउन है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, जिससे अगर ये भागेगा तो इन फ्यूचर आपको आपका SIP भी हो जाता है, आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की, थोड़ा नीचे भी आ रहा है इसमें बाद में भागेगा तो आप ऐड ऑन नहीं कर सकते। कंपनी ये भी बहुत अच्छी है, तो नेक्स्ट ईयर के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट ईयर आरती इंडस्ट्री, आप ये जानते ही हो कि अभी कंपनी ने 1700 पे अपना स्टॉक को बोनस दिया था, तो अभी कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1 दिन में 5% के रिटर्न है, 5 डेज में 5%, 1 मंथ में 10% के, 6 मंथ्स में देखिए 60% के रिटर्न दे दिए इसने। सिर्फ सडनली जम दिखाई थी बोनस के चक्कर में, ये 1200 के अप्रोक्स चल रहा था, अभी रेट कम बोनस के एडजस्ट हो चुका है, इस कारण से ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये 1200 पे चल रही थी, यहाँ पे 1200-1300, उसके सडनली कंपनी ने एक जम दिखाई थी जैसे ही बोनस का अनाउंसमेंट किया। कंपनी ने 2 बार मेरे सामने, मैंने 2019 में भी इसमें बोनस का फ़ायदा उठाया था और 2021 में भी मैंने बोनस का फ़ायदा उठाया इस शेयर का, और इसका 1 ईयर का देख सकते हैं, 1 ईयर में भी 84%, 5 ईयर में 600% बोल दीजिए, और मैक्सिमम भी देख सकते हैं, क्या शानदार चार्ट पैटर्न है, कहीं गिरावट ही नहीं दिखेगी, एकदम खड़ा, मतलब एकदम शानदार पैटर्न का। ये भी कंपनी लार्ज कैप है, आरती ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इसका एक शेयर और है आरती सरफेस, वो भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो मैं इसको शायद अभी कर लूँ या नेक्स्ट शेयर में कंपेयर करूँगा उसको। तो फ्रेंड्स ये आप नोट डाउन करते रहिए साथ में। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ गया PD लाइट के ऊपर, ये फेविकॉल आप जानते ही होंगे, फेविकॉल मैं पहली बार इस वीडियो पर नहीं बना रहा, इन काफ़ी शेयर हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, कि रिपीटेड शेयर इसलिए करना पड़ते हैं, जो भी नए इन्वेस्टर अपने ग्रुप में जुड़ते हैं, मतलब अपनी मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए बनाता हूं मैं। रिपीटेड होने से क्या होता है, जो पुराने शेयर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी नॉलेज मिलता है कि ये शेयर अच्छा है, वो भी स्टडी करते रहेंगे। तो इसका भी 5 डेज में देखते हैं 1% की गिरावट है, 1 मंथ में 6%, 6 मंथ में 33% के रिटर्न दिए हैं, 1 ईयर में देख सकते हैं 70% और 5 ईयर में 214% और मैक्सिमम 36,000% के रिटर्न दिए। कंपनी एक लार्ज कैप है, कंपनी का मार्केट कैप 1.16 है, कंपनी अपने 52 वीक के आसपास ही चल रही है, 233333 है, अभी कंपनी 22886 पे कर रही है। कंपनी ये भी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से और मोनोपोली इन्जॉय करती है अपने बिजनेस में, क्योंकि जो भी ग्लू का वर्क होता है वो यही कंपनी करती है। फ्रेंड ये शेयर मैंने, मेरे पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, मैंने 6500 समथिंग में बाय किया था, मतलब उससे लेके मेरे को अभी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कि दो ये देख सकते हैं, मतलब 1 मंथ में आप देख सकते हैं 38% के रिटर्न है, 1 साल में 41% ईयर टिल में, 1 साल में आप देख सकते हैं 80% और 5 ईयर में 359 और मैक्सिमम भी देख सकते हैं, मैक्सिमम 40,000% के रिटर्न दिए इस कंपनी ने। ये कंपनी कभी भी बोनस भी दे सकती है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, कभी एकदम सडनली जम दिखा देगा बीच में और आपके पैसा एकदम बढ़ जाएगा। मैंने इसका 6,500 के अप्रॉक्स खरीदा था, जो मेरे को अभी 3,500 का इसमें फ़ायदा हो रहा है। कंपनी एक लार्ज कैप है, ये भी 26,740 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 52 वीक आए 9,600 होता था और 52 वीक लोग 5,000 का है। एक शेयर के ऊपर आ जाते हैं SRF लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छा 10% के रिटर्न कल ही के दिन दिया था, 5 डेज में देख सकते हैं 10% के, 1 मंथ में 18% के, 6 मंथ में 57, 1 साल में 52 और
1 ईयर में 126% और 5 ईयर में 4500% अप्रॉक्स बोल दीजिए, मैक्सिमम भी देख सकते 84,000% के रिटर्न है कंपनी के। मतलब कि कंपनी बीच बीच में बोनस देती जाती है, जिसका अब इसका 84,000, मतलब कि आपने एक शेयर कब बाय किया होगा, एक शेयर भी लिया होता 1 जैन 1999 में, मतलब कि आज से 22 साल पहले, तो आपने एक शेयर की अभी एक शेयर सिर्फ 85,000 का हो गया होता। कंपनी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड लास्ट शेयर के ऊपर आ जाते हैं, नवीन फ्लोरिंग के ऊपर, ये भी शेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रहा है, 1 दिन में 3.5% के, 1 मंथ में 5 डेज में 8% के नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ में 2.5%, 6 मंथ में देख सकते हैं सीधे 56%, जो भी लॉन्ग टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा है कंपनी को ज़्यादा रिटर्न। जिनने अभी एंटर किया होगा 1 महीने पहले, जो 3750 में बाय किया, वो थोड़ा लॉस में होगा। अब ये भी चीज़ नहीं सोचे कि सब आपने आज बाय किया और कल से भागने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने भी जब भी बाय करता हूँ तो मैं लिमिटेड क्वांटिटी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बाय करूँगा उसके बाद मेरे को लगता ही कि मैं गिरेगा ही गिरेगा, और एक्चुअल कई बार होता भी गिर जाता, तो मैं थोड़ा बहुत SIP कर देता हूँ, तो उसमें मेरे को एवरेज हो जाता है। एवरेज करने पे मेरे को फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा होता है, 6 मंथ में देख सकते 56%, 107% के रिटर्न दिए, 5 ईयर्स में 712% है, और मैक्सिमम भी देख सकते 5000% के रिटर्न है। कंपनी की स्मॉल कैप है, सॉरी मिड कैप है, अभी थोड़े टाइम में लार्ज कैप बन सकती है। कंपनी का 52 वीक हाइक देख सकते 4015 है, जो अभी अपने अप्रॉक्स 10% डाउन चल रही है, तो आप इसमें भी बाय करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको केमिकल्स स्टॉक्स से कुछ सीखने को मिला होगा, तो और कुछ नॉलेज आप, और इसमें आपको बता दे रहा हूँ, आपको इसमें स्टडी करते रहना कि आपको क्या क्या चेक करना है। पहले कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देखनी है, FIS की होल्डिंग देखनी है, DIS की होल्डिंग देखनी है, प्लस कंपनी के कोई शेयर गिरवी तो नहीं रखा है, लोन चेक करना है कंपनी का कि कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी का कैश चेक करना है, रिज़र्व चेक करने हैं, ये सब चीज़ें चेक करनी रहती है। और कंपनी के एक बार कंपनी के वेबसाइट में भी विज़िट करना है, जिससे आपको कंपनी के MD कौन है, CEO कौन है, थोड़ा इनका नॉलेज लेंगे तो आपको इन फ्यूचर अच्छी नॉलेज हो जाएगा, जिससे आप अपने बिना मतलब कोई भी आपका शेयर बताएगा, मेरे कई फ्रेंड्स लोग हैं जैसे, तो वैसे ग्रुप में डाल देते हैं कि शेयर बाय कर लो, तो मैं उनको बताता हूँ कि नहीं इन शेयर को मत, जैसे HFCL करके शेयर है 90 रुपये का, अभी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, बट वो इन फ्यूचर 2000 का स्टॉक था, जो अभी आपको 90 रुपये में दे रहा है, मतलब कि कंपनी ने पूरा तो पैसा, मतलब उसका 90% का लॉस होगा, जो 2000 का शेयर खरीदा वो भी आज तक लॉस पे ही बैठा हो। तो ये आप स्टडी करेंगे तो आप इन लॉस से बच सकते हैं और अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।